92 वर्षीय महिला ने कोरोना को दी मात। विश्व भर में लाखों लोगों की जान ले चुके कोरोना संक्रमण को मुरादाबाद की 92 साल की बुजुर्ग महिला ने केवल एक हफ्ते में मात देकर एक मिसाल कायम की है और अब वो सकुशल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने परिजनों में पहुंच गई। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी एक बुजुर्ग महिला की विल पावर देखकर अचंभित हैं। अगर मुरादाबाद की बात करें तो अभी तक लगभग 5,000 लोगों को कोरोना संक्रमण ने अपनी जद में लिया है और 100 से अधिक लोग संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं मुरादाबाद प्रशासन द्वारा रेलवे हॉस्पिटल को बनाए गए L1 हॉस्पिटल से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। सिविल लाइन इलाके के रहने वाली 92 वर्षीय करण देवी ने मात्र एक हफ्ते के इलाज के दौरान ही कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को मात देकर मेडिकल साइंस के लिए चुनौती पेश की है। रेलवे हॉस्पिटल के CMS के अनुसार किरण देवी को एक हफ्ते पूर्व ही गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया था। इन्हें कई तरह की परेशानी थी, कोरोना संक्रमण के चलते और उम्र दराज होते हुए इलाज में भी परेशानी हो रही थी, जिसके लिए एक विशेष टीम बनाते हुए इनके इलाज को चुनौती की तरह लिया गया और इनकी मजबूत विल पावर के मात्र एक हफ्ते में ही इन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दे दी, जो मुरादाबाद मंडल में कोरोना काल का एक इतिहास बन गई है। क्योंकि 92 साल की वो अकेली महिला है जो ठीक होकर अपने परिजनों के साथ घर पहुँच गयी है। देखिए, ये उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल का ये चेस्ट क्लिनिक है, जिसको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड के L1 के रूप में इसको संचालित किया है और 1 अगस्त से ये सुविधा यहाँ संचालित हो रही है और अभी तक हम लोग 100 से ज़्यादा मरीजों को यहाँ से सफलतापूर्वक इलाज करके उनको डिस्चार्ज करके स्वस्थ करके उनको घर भेज चुके हैं। और आज के दिन एक उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे उन्हीं मरीजों में से एक बहुत ही बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 92 वर्ष के लगभग है, श्रीमती किरण देवी जी, जो MDA कॉलोनी में ही मुरादाबाद में निवास करती हैं, हमारे पास एक सप्ताह पहले यहाँ पर इनको लाया गया था। उस समय इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, 101 डिग्री आसपास बुखार था, इनकी जो सांस की गति बहुत तेज थी, 35 रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट थी, साथ में इनकी पल्स भी बहुत तेज थी और ओल्ड एज के साथ में इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर अभी तक हमारे सुविधा में सबसे वयोवृद्ध जो मरीज हैं जो यहाँ पर लाए गए थे, तो हमारे लिए चुनौतियाँ भी बहुत थीं, लेकिन हमारी जो मेडिकल टीम है, डॉक्टर R.K. पांडे जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, डॉक्टर हुमैरा खान, डॉक्टर सलमान, और यहाँ की जो पैरामेडिकल की जो टीम है, जो हमेशा डॉक्टर दिनेश मोहन जी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ACMS हैं, इनके साथ जो पूरी टीम मुस्तैदी से 24 घंटे इनकी सेवा में लगी हुई है, इनकी साफ़ सफाई, इनकी देखभाल, इनको समुचित खाने और भोजन और स्वास्थ्यप्रद जो भी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं देना, सब करके आज हम ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमने इनको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है और आज हम इनको डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। देखिए, कोरोना निस्संदेह एक बहुत ही भयानक बीमारी है और डर का इसमें बहुत बड़ा स्थान है, जो किसी भी मरीज, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी है, उसकी मनोदशा को तोड़ के रख देता है। तो हमारा तो सभी मरीजों का, जो जिनके साथ हम लोगों ने इतना समय ट्रीटमेंट में निकाला है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको, उनका मनोबल बढ़ाए रखें, डरें लेकिन लड़ें, और हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और उसके ऊपर सफलता भी पा रहे हैं और हमारे लगभग 100% मरीज स्वस्थ होकर यहाँ से 100% रिकवर होकर यहाँ से निकल रहे हैं। इनकी एज 92 वर्ष के आसपास बताई गई है और उनके बेटे भी उनके साथ थे, वो भी साथ में लाए गए थे, और हम अपनी टीम का इस बात का उल्लेख करना चाहें कि वो हमेशा मरीजों के साथ संवाद रखते हैं, चाहे वो उनके राउंड पे सुबह शाम जाने के, इसके अलावा भी किसी भी वक्त उसके टेलीफोन कॉल से, वीडियो कॉल से उनसे उनके हमेशा संपर्क में रहते हैं और उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रखते हैं, ताकि उनको इस कोरोना रूपी महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान की जा सके।
मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल।